इंडिया में इस समय कुछ भी हो रहा है। हर दूसरा बंदा कूल बनने के लिए अपने आप को हिप हॉप लवर बता रहा है, और कोई अपने आप को ज्ञानी बता रहा है, और कोई अपने आप को खेलाई में सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडा जी रहा है। जब से ये एमटीबी हसल आया है, अच्छे रैपर कम और अपने आप को हिप हॉप गोड बताने वाले रैपर ज्यादा मिल गए हैं। और देखा जाए तो इस समय फेमस होना बहुत आसान है, और फेमस होने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इंडिया में खेड़े जैसे बंदे फेमस हो सकते हैं तो कोई बंदा फेमस हो सकता है। अगर दूसरे पहलू से देखे तो इस बंदे गाने समझ तो आते हैं, पर बहन के भैया एमसी स्टैन को किसने फेमस कर दिया? और अगर एमसी स्टैन जैसे बंदे फेमस हो सकते हैं फिर तो कोई भी धुआं उठा सकता है। इस बंदे का सुनने के बाद मेरा एक ही रिएक्शन होता है, पता नहीं कौन सा नशा करके ये बंदे गाने बनाता है। मुझे तो कभी कभी इस बंदे पर डाउट होता है कि इस बंदे को खुद के गाने समझ में आते होंगे। एक तो पता नहीं चलता भाई गाने में बोलता क्या है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए बंदे को पता है लोगों को लिरिक्स घंटा समझ नहीं आने वाले, क्योंकि भाई के गले में कुछ फंसा हुआ है, इसी वजह से स्टैन सही से कुछ बोल नहीं पाता। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी हो, कभी ब्रो कभी हो। और हाँ एक बात और है, स्टैन के वोकल से अच्छा उसका म्यूजिक होता है। और ये जो बंदे सोचते हैं ना, अरे भाई बंदे ने मेहनत करी है, जब जाके ऐसे जाकर लेता है, जूते लेता है, सबसे ज्यादा मेहनती वो बंदा है जो इसके गाने में ऑटो ट्यून लगाता है, वरना ऑटो ट्यून के बिना जियान और स्टैन में कोई फर्क नहीं है। सही बात है। और हाँ ये मैं बादशाह की बात नहीं करता, डोरेमोन वाले असली जियान की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो जियान भी से 100 गुना अच्छा है। कम से कम उस बंदे को इतना तो पता है, इतना तो उसमें अकल है कि बेसुरा गाने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज, मत कर बेटा मत कर। वो सब तो ठीक है, पर कहने जो तेरे गली में 7 इंच का है ना उसको बाहर निकाल, घंटा को समझ नहीं आ रहा ये बंदा क्या बोल रहा है। इससे अच्छा अगर तू ये गाना ऑडियो के बिना डालता तो क्या गाना बनता ये। इसीलिए भाई इसीलिए, क्योंकि तू इतना बेसुरा गाता है और ऊपर से बातें रिपीट करता है। स्टैन ही हम इंसान है, और इंसानों को भगवान ने एक मस्जिद दी है जिसको हम कान बोलते हैं, जिसकी वजह से इंसान एक बार में बात सुन लेता है। देन व्हाई यू रिपीट योर लाइंस। पब्लिक ने झाड़ा में को एक लड़की को डेट कर दे। स्कूल जाने की उम्र में अगर लोंडवाजी करोगे तो पहले ही जाओगे, पर फिर भी देखा जाए तो पब्लिक से पिलने के बाद क्या फायदा। स्टैन भाई की छपरी वाली हरकतें फिर भी नहीं गई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक लाइन बोली थी, एक समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों या फिर दूसरों की गलती को सीखे, और हमारे स्टैन भाई तो कम अकल के घच करेंगे, एलन के शकल के इसगार रिंगार फंगा से तू जादू, देखो मालूम है ना संडा से तू जादू। पब्लिक ने झाड़ा में को एक लड़की को डेट कर दे, वो लड़की पूछे मेरे को कैसे तुम सब फेस करते। रात को टॉयलेट में जाके हाथ का इस्तेमाल करके हाथों का चमत्कार, समस्याओं को बलात्कार। सही बात है। पुलिस कुत्ते जैसा मार रही लेकिन लंड लगा। ठीक है स्टैन भाई, पुलिस कुत्तों जैसा मार रही थी, पर ये तो बता दो क्या मार रही थी जो तुम्हें अब समझ आया। स्टैन भाई तो पुलिस को जीप पे करके आए हैं। फिर रिपीट। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? इन रैपर्स को बात समझ को नहीं आती है। एक तो इनके बाल इतने बड़े हैं, कान के अंदर बात जाती हुई नहीं होगी, और फिर अपने हर गाने में औरत का रोना करते रहेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे खिलाड़ी की, जो हमारे इक्का भाई। जैसा कि तुम्हें पता होगा इक्का भाई फेमस है अपने इंस्टा लाइव की वजह से। इक्का भाई लाइव आते हैं अपने 75 वाला संतरा पीकर। और हाँ इक्का भाई अपने इंस्टा लाइव की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि अपने सुपर डुपर हिट पॉडकास्ट की वजह से भी फेमस है। ये बंदा अपने पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें बोल जाता है जो किसी ने सोची ना होगी। मतलब भाई अपने पॉडकास्ट में ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। और इक्का भाई की बात सुनने के बाद मुझे डाउट होता है कि इक्का भाई ने अपना UFO कहाँ पर छुपा रखा है, और मैंने हवा में नहीं बोला। इक्का भाई के पॉडकास्ट सुपर डुपर हिट जाते हैं, तुम ये देखो। आइए देखते हैं मजा आएगा जी। मैं कभी भी अगर गुरुद्वारे या फिर चर्च या मस्जिद के सामने से गुजरता हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ ओम नमः शिवाय। पता नहीं इक्का भाई को कोई पेटियां खिलाओ। कितना खाता है भाई तू, एक पेटी दो पेटी, कितनी पेटी खाता है तू, खिलाओ इसको। इक्का भाई तुम्हारे मेंटल हेल्थ के तो एल लग चुके हैं। इक्का भाई सच बताना, कौन सा नशा करके इंटरव्यू देने गए थे? कहीं इक्का भाई तुम कच्चियों का नशा तो नहीं करते? मुझे लगता है इस बंदे को इसके पापा बचपन में मारना भूल गए थे, जिसकी वजह से इस बंदे की मेंटल हेल्थ बिगड़ी और ये ऐसा हो गया। उसे पूरे क्लब में घुमा के मारा भाई हमने, पहले तो पूरा क्लब तोड़ दिया भाई, टेबलों पे भी मार के चांटे, जहां जा रहा है भाई जिस तरफ मुंह कर रहा है चांटा, जिस तरफ मुंह कर रहा है घूसा, मतलब जहां मुंह कर रहा है उसने चांटा पड़ा भाई उसे। वो उठा क्या परे उसकी बहन की धड़, उसने लात मारी, बंदा गया हवा में बाहर, देख रहा स्लो मोशन में भाई पूरी चूड़ियां उड़ी हैं खड़ा। यार कोई इस बंदे को बताओ फेंकने की लिमिट होती है, इतना भी नहीं फेंकना होता मेरे भाई। टेबलों पे बीमार चांटे, जहां जा रहा है भाई जिस तरफ मुंह कर रहा है चांटा, जिस तरफ मुंह कर रहा है घूसा। ये बंदा तो नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा फेंक सकता है। नीरज चोपड़ा को फेंकने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता था, और इस बंदे को फेंकने के लिए पॉडकास्ट में जाना पड़ता है। क्या परे उसकी बहन की धड़, चल बजड़ी के। की गेम आपकी बहुत टाइट है, और परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा टाइट है, और उससे ज्यादा टाइट है कि भाई आप स्टेज पे आते हो ना कहीं भी हिलती नहीं है आपकी चीज़।
प्यारी समझ गई। यार ये बंदा कब समझेगा, 100 पर 75 वाला संतरा पीकर नहीं जाते। किसी दिन ये बंदा बड़ा गंदा पिटेगा। और इक्का भाई की आंखें इतनी नशेली हैं, कोई भी बंदा देखकर अट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए ये बंदा हर टाइम अपनी आंखों पर चश्मा लगा कर रहता है, और वो नशेली आंखें 75 वाला संतरा पीने के बाद ही होती है। मृणाल भी सोच रही होगी किस ठरकी को जज बना दिया, परफॉर्मेंस जज करने की जगह कुछ और जज कर रहा है। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े तो ना, एक होता ना कि पहला हाथ कौन छोड़ेगा वो बड़ा होता है, और मैं बड़ा गंदा इंसान था ना, मैं हाथ छोड़ देता हर रोज। 300 मैंने मारा तो चांटा पटाक, जैसे ही चांटा मारा भाई हमारे साथ होते 20-30 लड़के होते थे हमारे साथ, हम जहाँ आते थे ना वैन जो हमारी ऑडियंस हमारे साथ चलती थी भाई, हम वहाँ गाना लाएंगे और एक कूदेंगे। पूरा गीता कॉलोनी अपने साथ होता था भाई, वो पूरा क्लब तोड़ दिया हमने। पॉडकास्टर भी सोचता होगा इक्का और विकिपीडिया में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है, क्योंकि विकिपीडिया भी आर्टिस्ट का नेटवर्थ बड़ा चढ़ाकर बताता है, और ये बंदा भी एक के चार लगाकर बताता है। वो तो शुक्र है इंडिया में झूठ बोलने पर कोई सजा नहीं मिलती, वरना इक्का भाई के फैंस गाने सुनने के लिए तरस जाते। उसने ये भी बात बोली थी, सामान है मेरे पास, मैं तेरे सामान की तेरी। मेरे को याद है भाई बाउंसरों को मारा है, बाउंसरों को वहाँ के। इक्का भाई सच बताना, कौन सी मूवी देखकर पॉडकास्ट देने गए थे? जिस हिसाब से इस बंदे ने स्टोरी बताई है उसके हिसाब से ये बंदा पक्का साउथ मूवी देख गया होगा। तो ना एक होता ना कि पहला हाथ कौन छोड़ेगा वो बड़ा होता है, और मैं बड़ा गंदा इंसान था ना, मैं हाथ छोड़ देता हर रोज। चल बाजड़ी के। और अभी हाल ही में इक्का और एमसी स्टैंड का गाना आया है, हनी सिंह की सस्ती कॉपी। ये थोड़ा इस गाने पर भी नजर मार लेते हैं, इक्का और एमसी स्टैंड की इतनी मारिश ली तो आइए देखते हैं मजा आएगा। तो ये गाना स्टार्ट होता है हमारे इक्का भाई से, जहाँ ये 75 वाला संतरा पीकर नाइट पार्टी करके उठे हैं। अरे अरे इक्का भाई तुमने तो चश्मा उतार दिया, इसका मतलब 75 वाला संतरा नहीं पिया। इन रैपर्स के एक दो गाने क्या चल जाते हैं, अपने आप को टाटा बिरला से कंपेयर करने लग जाते हैं। कमर्शियल गानों में सबसे इरिटेटिंग चीज यही है कि ये गाने में एक लाइन को इतनी बार रिपीट कर देते हैं, इतनी बार रिपीट कर देते हैं, सामने वाले बंदे का दिमाग का दही तो ऐसी हो जाए। गाने में कुछ स्पेशल हो या ना हो पर गाने में लोंडिया एकदम कैंडले रखी है। नजर है तीखी बातें हैं शुगर और बदन है गरम मसाला, वाह 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 वाह। इक्का भाई भी लाइक लिरिक्स गए बाहर में, लोगों को समझ आए ना आए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तो एंगेजमेंट चाहिए।